कितनी सारी औरतें शिवजी का नाम लेके व्रत रखती हैं ताकि उन्हें अच्छा पति अच्छा वर मिल जाए, लेकिन हमारी गुड्डन को भी ना अब ये व्रत रखना पड़ेगा, शायद इसी तरह से उसे अपना सुहाग वापस मिल जाएगा, है ना? तो इतने साल तक आप धोखा नहीं दे सकते, झूठ बोल रहे थे पूरे परिवार के सामने, अंधेरे में रखा आपने सबको, पर क्यों? इतने सालों तक मैंने अपने परिवार को भी तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें दर्द पहुंचाना चाहता हूं मैं सिर्फ तुम्हें, क्योंकि तुमने लो जी हो गया ना सबके सामने खुलासा अक्षत और अंतरा के रिश्ते का। भाई ये मेहरबानी गुड्डन की है, असल में गुड्डन ने अक्षत और अंतरा की बातें सुन ली थी, जिससे उसे ये पता चल गया था कि वो दोनों मियां बीवी होने का नकली ड्रामा कर रहे हैं। तलाक नाम की भी एक चीज होती है, पेपर साइन किए ना तुमने, बदले में घर गाड़ी पैसा बंगला तुमने जो मांगा मैंने सब दिया है, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम गुड्डन के सामने बीवी बनने की एक्टिंग करती हो। फिर क्या, ये बात सबके सामने लाने के लिए गुड्डन ने रचा ये ड्रामा, जहां सुबह की आरती का बहाना कर गुड्डन ने सबके सामने अक्षत से अंतरा को मंगलसूत्र पहनाने की बात कही और गुस्से में आकर अक्षत ने मंगलसूत्र की थाली दूर फेंक दी। तो यहाँ मेरा सच 4 साल से जो मैंने छुपा के रखा था वो बाहर आ जाता है और उसी के साथ खुलासा हो जाता है कि अंतरा और मैं पति पत्नी नहीं है, आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। एजे और अंतरा का सच सामने क्या आया, दादी को भी जोरदार गुस्सा आ गया, दादी ने सबके सामने अक्षत के गालों पर चमाचा जड़ दिया। ये दादी बोलती हैं कि तुमने इस घर के साथ और गुड्डन के साथ जो किया है वो तो माफी लायक नहीं है, लेकिन जो तुमने खुद के साथ किया है ना इन 4 सालों में जस्ट टू कॉज हर पेन, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान, जो मेरा बेटा है, उसकी जान लेने की कोशिश की है खुद अपने हाथों से। भाई दादी की मार खाकर भी अक्षत सुधरे नहीं और सबके सामने गुड्डन को धमकी देकर चले गए कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो गुड्डन को कभी माफ नहीं करेगा। बस ये बात सुनकर गुड्डन की आंखों से आंसू निकल पड़े, तो वो बड़े मिक्स्ड इमोशन से गुड्डन गुजरी है, टूट जाती है बेसिकली, तो आई डोंट नो व्हाट क्या अगला कदम होगा। पापा आपने जो भी कुछ सुना उसमें किसकी कोई गलती नहीं। अरे गुड्डन मैडम पहले अपना एक मिशन पूरा कीजिए अक्षत की ड्रिंक छुड़वाने का, बाकी बाद में आप दोनों की जोड़ी तो जम ही जाएगी, क्योंकि आप दोनों का किस्मत कनेक्शन जो है। मेरी गलतियों की माफियां सुन सुन के शायद आप थक चुके होंगे पापा, पर विश्वास कीजिए मेरा, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है कहने के लिए। बहुत शर्मिंदा हूँ कि आज मेरी वजह से आपकी बेटी कितनी बदनाम। आज तक ब्यूरो हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी।